क्या तुम पॉपुलैरिटी बैटल कर रहे हो लेकिन तुमको पॉइंट बहुत कम मिलते हैं? क्या तुम्हारे फ्रेंड्स बहुत सारा बैटल लूज करके भी तुमसे हायर पीके रैंक पे हैं? तो टेंशन मत लो, मैं फुल गाइड लेके आ गया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको पॉपुलैरिटी बैटल का पॉइंट सिस्टम बताऊंगा कि कितने पॉपुलैरिटी पे कितना पॉइंट मिलता है, विन करने पे कितना पॉइंट मिलेगा, लूज करने पे कितना पॉइंट मिलेगा, कैसे खेलना है, हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और पॉपुलैरिटी बैटल में अपोनेंट किस बेसिस पे मिलता है ये भी बताऊंगा, और कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिसे अपोनेंट बहुत ईजी आएंगे और उनको हराने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। एंड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा जिसको आप यूज करोगे तो हर एक बैटल आप विन करोगे। एंड लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप पीके 6 या उससे ऊपर जाना चाहते हो बिना यूसी स्पेंड किए तो। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप कुछ यूसी स्पेंड करते हो तो आप लॉबी तक कैसे जा सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो मैं पॉपुलैरिटी रैंकिंग का पॉइंट सिस्टम समझा देता हूं। सबसे पहले इससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, मोस्ट ऑफ द लोग को ये चीज पता होगा लेकिन कुछ लोग को ये पता नहीं है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूं। सामने वाले को जो भी पॉइंट मिलते हैं या आपको जो भी पॉइंट मिलते हैं वो आपके पॉपुलैरिटी के बेसिस पे मिलता है, ना कि कितना ज्यादा डिफरेंस है आप जीत रहे या कि कितना टक्कर का मुकाबला हो रहा है। गेम जो आपको पॉइंट देता है मैच के बाद वो इस बेसिस पे देता है कि आपका कितना पॉपुलैरिटी है एंड अपोनेंट का कितना पॉपुलैरिटी है। गेम का ऐसा मैकेनिक्स है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि आप 1,00,000 पॉपुलैरिटी से जीत रहे हो कि 1,000 या 2,000 से जीत रहे हो। तो चलो मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि कितने पॉपुलैरिटी पे कितने पॉइंट मिलते हैं। अगर आपका पॉपुलैरिटी 0 से 999,000 के अंदर है तो आपको 6 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपका पॉपुलैरिटी 1,000 से 1,999 में है तो आपको 8 पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद अगर आपका पॉपुलैरिटी 5,000 से 9,999 के बीच में है तो आपको 14 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद अगर आपका पॉपुलैरिटी 10,000 से 15,000 के बीच में है, मतलब 14,999, तो आपको 16 पॉइंट्स मिलेंगे। इसके बाद अगर आपका पॉपुलैरिटी 15,000 से 49,999 तक है तो आपको 20 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपको 4 पॉइंट एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको 50,000 से प्लस पॉइंट्स करने होंगे। 50,000 बस आप टच कर दो, आपको 4 पॉइंट मिल जाएंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको 24 पॉइंट्स चाहिए तो आपको 50,000 पॉपुलैरिटी करना होगा। अगर आपको 4 पॉइंट और चाहिए 28 पॉइंट, तो उसके लिए 1,20,000 पॉपुलैरिटी आपको करना होगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है कि 1,20,000 पॉइंट्स पे गारंटीड नहीं है कि आपको 28 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपको 28 पॉइंट एकदम गारंटीड चाहिए तो उसके लिए 1,25,000 पॉपुलैरिटी करना होगा, मतलब 5,000 ज्यादा तो आपको गारंटीड मिल जाएगा। इसके बाद मेरे एक फ्रेंड का बैटल देखा, 2,32,000 पॉपुलैरिटी था लेकिन उसको भी 28 पॉइंट ही मिले थे। इसके बाद 36 पॉइंट होता है, अगर 36 पॉइंट आपको चाहिए तो 4,00,000 पॉपुलैरिटी आपको करना होगा तो 36 पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद अगर आप 8,00,000 भी पॉपुलैरिटी कर लोगे तो आपको 36 ही पॉइंट मिलेंगे। इसके बाद आता है 40 पॉइंट्स, अगर 40 पॉइंट्स चाहिए तो तुमको 1,000,000 पॉपुलैरिटी करना होगा। इसके बाद दो बैटल और मैं देखा, 1.2 मिलियन एंड 1.7 मिलियन, ये दोनों बैटल पे तुमको 40-40 पॉइंट्स ही मिलेंगे। अभी तक मैंने जो भी पॉइंट्स बताया है ये तुम्हारा पॉइंट है या एनिमी का पॉइंट है, जो एनिमी करेगा तो उसको उतना मिलेंगे या तुम करोगे तो तुमको इतना मिलेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम्हारा पॉपुलैरिटी 1,25,000 है और तुम मैच जीत चुके हो और अपोनेंट का पॉपुलैरिटी 50,000 से ज्यादा है तो तुम्हारे हुए अपने 28 पॉइंट एंड अपोनेंट के हुए 24 पॉइंट, जिससे अपोनेंट का आधा पॉइंट तुमको मिलेगा वो हुआ 12 पॉइंट। टोटल ऐड करने पे 40 पॉइंट्स होता है, तुमको 40 पॉइंट्स मिलेंगे, अपोनेंट को 12 पॉइंट्स मिलेंगे। ये पॉपुलैरिटी रैंकिंग के पॉइंट सिस्टम का चार्ट है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब भाई मैं आपको कुछ नॉर्मल कैलकुलेशन बताता हूँ, अब आप ध्यान से सुनो। अगर आपका पॉपुलैरिटी 50,000 से ज्यादा है एंड अपोनेंट का 15,000 से ज्यादा है और आप मैच जीत जाते हो तो आपको मिलते हैं 34 पॉइंट्स। इस हिसाब से अगर आप 5 मैच जीतते हो तो आपके बनते हैं 170 पॉइंट्स। पीके 4 जो होता है वो 180 पॉइंट्स पर होता है। इस तरह के अगर आप 7 बैटल जीतते हो तो आपको 238 पॉइंट्स मिलते हैं। 230 पॉइंट्स में आप पीके 5 तक पहुंच जाओगे और पीके 5 में आपको हेलीकॉप्टर वाली पॉपुलैरिटी मिलती है। अगर आप हेलीकॉप्टर वाली पॉपुलैरिटी यूज करते हुए और भी बहुत सारी चीजें यूज करते हुए अगर आप 8वां राउंड भी जीत जाते हो तो आपको 272 पॉइंट्स मिलते हैं, जिससे कि आप पीके 6 पे पहुंच जाओगे, क्योंकि पीके 6 पे जाने के लिए 270 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। इतना मैं जो बताया ये नॉर्मल यूजर के लिए है, और इसमें भी बहुत सारी डिफिकल्टी आएंगी, बहुत सारे बंदे बहुत हार्ड आ जाएंगे जो कि इम्पॉसिबल होगा विन करना। मतलब ऑन पेपर या थ्योरेटिकली तो बोल देना तो बहुत ईजी है कि इतना कर लो हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल में एकदम इसका जस्ट अपोजिट होता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जितना कम ज्यादा हो आप हेलीकॉप्टर वाली पॉपुलैरिटी पर तो गारंटेड पहुंच ही जाओगे। अब इसके बाद मैं बात करता हूँ वैसे लोगों की जिनको की
लॉबी चाहिए और वो लोग स्पेंड करने के लिए भी रेडी है। अब उन लोगों का मैं बात करता हूँ। स्टार्टिंग के दो बैटल एकदम तुमको इजी खेलना है और ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं करना, ओके? अगर अपोनेंट कर रहा है तब करना, और वो भी कितना करना है वो भी मैं बताता हूँ अभी। अगर तुम्हारा अपोनेंट पॉपुलैरिटी बढ़ा ही नहीं रहा है तो उसको 15,000 खुद से बढ़ा दो एंड अपना पॉपुलैरिटी 50,000 प्लस कर लो। तुमको जीतने के बाद 34 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इसके बाद एक सिनेरियो आता है कि बंदा ट्राई हार्ड करके 20,000 या 20,000 नहीं 30,000, 35,000 या 40,000 तक अगर कर चुका है तो तुम उसको खुद पॉपुलैरिटी देके 50,000 प्लस करवा दो और अपनी पॉपुलैरिटी 1,25,000 से ज्यादा कर लो। ये वाली बैटल जीतने पर तुमको 40 पॉइंट्स मिलेंगे। इस तरह के सिनेरियो बना के अगर तुम 5 बैटल जीत जाते हो तो तुम्हारे 200 पॉइंट्स होते हैं। इसके बाद तुम 4 बैटल 34 पॉइंट्स के हिसाब से जीत लेना। ये 9 बैटल विन करने के बाद तुम्हारा पॉइंट होगा 336 एंड लास्ट बैटल तुमको जीतना है। हारना ये तुम्हारे ऊपर है। अगर हारोगे तो 15,000 पॉपुलैरिटी करके हार जाओ, तुमको PK8 मिल जाएगा, लॉबी मिल जाएगा। और मैं जो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का बात किया था अब उस पे आ जाते हैं। सबसे पहला टिप तो यही है कि तुम खुद बस पॉपुलैरिटी मत लो या तुम बस अपनी ही पॉपुलैरिटी मत बढ़ाओ। अगर अपोनेंट तुम्हारा पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ा रहा है तो तुम खुद उसको पॉपुलैरिटी दो, उसका पॉपुलैरिटी बढ़ाओ ताकि तुमको ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी रैंक मिले और उससे तुम ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी रैंक के ऊपर वाले PK लेवल पे जाओ। सेकंड थिंग ये है कि बैटल स्टार्ट होते ही अपने अपोनेंट को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, उससे बात करो और उनको समझाने का कोशिश करो या ये समझने का कोशिश करो कि अपोनेंट कितना पॉपुलैरिटी करेगा। अगर तुम्हारे अपोनेंट में कुछ गजब ही बंदा आ गया है तो तुमको पॉपुलैरिटी बढ़ाने का ही जरूरत नहीं है। तुम जीरो पॉपुलैरिटी रखो, वो खुद अपने पॉपुलैरिटी पॉइंट्स के लिए तुम्हारा पॉपुलैरिटी बढ़ाएगा। और एक और चीज है कि अगर सामने वाला बंदा नॉर्मल पॉपुलैरिटी ले लेके बढ़ा रहा है और वो थोड़ा सा ट्राई हार्ड कर रहा है तो उसको टारगेट दो। तुम उठे और देखे अपोनेंट का पॉपुलैरिटी 5,000 है, तुम क्या करना कि 10,000 कर लेना। अपोनेंट को लगेगा कि 10,000 इनफ है उसके लिए, वो 15,000 करेगा, तुम 20,000 कर लेना, फिर वो 25 करेगा। ऐसे करते करते उसका लिमिट को पुश करो जितना ज्यादा। अगर वो लिमिट 50,000 के ऊपर उसका चला जाता है, वो 50,000 के ऊपर पॉपुलैरिटी कर लेता है, तब तुम 1,25,000 पॉपुलैरिटी करके विन कर लो, तुमको 40 पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर एक और चीज है कि अपोनेंट एकदम कुछ ज्यादा ही तगड़ा आ जाए तब भी आपको उस बंदे को टारगेट देना है। जैसे कि आपका पॉपुलैरिटी बैटल आया, आपने ओपन किया, देख रहे कि आपके अपोनेंट का पॉपुलैरिटी ऑलरेडी 1,00,000 है। इस चीज में एक चीज मेक श्योर करना कि आपका जो पॉपुलैरिटी है वो हाइड हो और वीकली पॉपुलैरिटी वो बंदा ना देख पाए। पहले कुछ घंटे में 5,000 करना, फिर 10,000 करना, फिर 15,000 करना, 20,000, 25,000, बस इतना ही करके आप छोड़ दो। अब आपको लास्ट डे जो थर्ड डे होता है, लास्ट डे उस डे के मूवमेंट पे एकदम लास्ट 15 सेकंड या 30 सेकंड्स पे आप पॉपुलैरिटी मार के उससे ज्यादा कर लो, आप विन कर लोगे 100%। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो कि UC लगाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत लोग नहीं समझ पाते, उस कारण से उनके अपोनेंट बहुत हार्ड आने लगते हैं, वो है वीकली पॉपुलैरिटी। आपको जो अपोनेंट मिलता है वो ना ही आपके PK लेवल के बेसिस पे मिलता है, ना ही आपके पॉपुलैरिटी लेवल के बेसिस पे मिलता है। गेम का ऐसा एल्गोरिदम है कि आपको जो अपोनेंट मिलते हैं वो आपको वीकली पॉपुलैरिटी के बेसिस पे मिलते हैं। जैसे कि आपने 1,00,000 अगर पॉपुलैरिटी कर लिया है तो आपको जो अपोनेंट मिलेंगे वो भी 1,00,000 वीकली पॉपुलैरिटी वाले ही मिलेंगे। हो सकता है 2,000 कम मिले, 2,000 ज्यादा मिले, लेकिन हाँ उतने के ही मिलेंगे। ये चीज हो सकता है कि आप PK3 में हो, आपका अपोनेंट PK4 वाला मिल जाए, या आप PK4 में हो, आपका अपोनेंट PK3 वाला मिल जाए। ये भी हो सकता है कि आपका टोटल पॉपुलैरिटी मिलियन में हो, अपोनेंट का जो टोटल पॉपुलैरिटी है वो K में हो, या आपका K में हो और उसका मिलियन में हो। ये दो चीज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वीकली पॉपुलैरिटी ऊपर नीचे नहीं होता है। अगर आपका मैचिंग नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा अपोनेंट नहीं है, तब ऊपर नीचे कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसे एकदम सिमिलर आता है। यहाँ पर आप जितना अपना वीकली पॉपुलैरिटी कम रखोगे उतने ही इजी बंदे मिलेंगे। आप एक ही बार में 100K 200K पॉपुलैरिटी वीक में पहुंच जाओगे तो आपको बंदे भी वैसे ही हार्ड मिलने लग जाएंगे। सो अगर आपको हाई PK लेवल पे जाना है, हाई PK रिवॉर्ड को लेना है, तो आप कम से कम वीकली पॉपुलैरिटी रखो कि आपका जो अपोनेंट मिले वो भी इजी मिले और आप इजी विन कर सको। यही सब वो टिप्स एंड ट्रिक्स है जो कि आप यूज करके हाई PK रैंक पे जा सकते हो बिना कोई UC स्पेंड किए। तो आज के इस वीडियो में आपका हर एक डाउट मैं क्लियर कर दिया हूंगा। अगर नहीं कर पाया तो आप कमेंट सेक्शन में बोलो, वो चीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगा है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगा है, बहुत ज्यादा रिसर्च लगा है। मैं 100 से ज्यादा पॉपुलैरिटी बैटल्स के वीडियो देखे, बहुत सारे फ्रेंड लोग से पॉपुलैरिटी बैटल के स्क्रीनशॉट लेके हर चीज एनालाइज करके ये मैं वीडियो बनाया हूं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपके लिए हेल्पफुल हो तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ऐसे ही फ्यूचर में वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए बाय।